दोनों में चल रहा है। अच्छा साइलेंट वॉर, साइलेंट वॉर पता है ना, मम्मी या बच्चे में होता है साइलेंट वॉर। वैसे साइलेंट वॉर होता है मम्मी और बच्चे में मस्त होता है कभी कभार। क्या सुन रहे हैं? गोबर का खुशबू आ रहा है, सांतनों का घुईटा देंगे, घुईटा देंगे। सोचो इस दीवार पे घुईटा देंगे तो कैसा लगेगा, मस्त गोल गोल चिपके गए। अरे चिपक जाए, शाइनी चिपकेगा ना? चिपके एक क्वेश्चन है, ये दीवार पर गोबर गोबर का घुईटा चिपकेगा? आराम से स्लाइड कर निकल जाएगा, देखना पड़ेगा, देख तभी ना पता चलेगा। ये सब फैंटेसी है। ये वाला प्लांट मस्त होता है, खोचा खोचा मेरा वो घर पे था। मेरा वाला प्लांट किधर गया, इतना बड़ा वाला रख के आई थी। हेलो, ये है मस्त कलवा देवी बर्तन मार्केट। यहाँ पे अगर आप गाड़ी लेके आ गए ना तो बस कहीं पे आप खड़े नहीं हो पाओगे, इतना वार्निंग। मतलब गाड़ी लेके कभी मत आना। ऐसे वो सारे बर्तन की दुकान है, ये सारे बर्तन शॉप पूरा वहाँ से शुरू होता है। पूजा की मतलब दुकानें उधर है थोड़ा, भगवान वगैरह, और ये बर्तन के पूरे मार्केट। इधर के तरफ जाता है जवेरी बाजार, सीधा जाके लेफ्ट में के जवेरी बाजार मुंबा देवी, और राइट भुलेसर। तो अभी आगे हम लोग कलवा देवी। ए मैत्री चलो सामान उठाओ, क्या है स्टील का, चलो अभी बर्तन मार्केट। यहाँ पे अच्छा मिठाई मिलता है, मिठाई मिलता है वहाँ पे आगे। असली मुंबई की गलियां। क्या टिकट लॉटरी? लॉटरी में आजमाना है, सेम कंपनी है नंबर सीरीज। वैसे एक ऐसा लॉटरी फाड़ो कुछ तो मिले, अच्छा लग रहा है भाई। 1 करोड़ मिलेगा तो मजा आएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जवेरी बाजार के उधर के तरफ। जाते जाते स्ट्रीट साइड में इस तरह से काफी बर्तन के सामान भी मिल जाता है, छोटा छोटा बर्तन मार्केट तो अलग से है ही, उसकी साइड में ही है ये एक्चुअली जवेरी बाजार। और यहाँ पे भगवान छोटा छोटा बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज मिलता है, बॉक्स मिलता है। ये एक स्ट्रीट साइड में छोटा छोटा काफी सारे दुकानें हैं। मैं ये कटोरी वगैरह देख रही थी, और ये है सीधा सीधा जवेरी बाजार। यहाँ पे खाना भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करते हैं ना वो यहाँ से खाना पैकिंग करा लेते हैं। रोटी सब्जी आपको इजीली मिल जाएगा। बापू जी ये वाला बापू जी है, और ये है जवेरी बाजार, ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे सब एक से एक सिल्वर गोल्ड मेनली ज़्यादा होलसेल में ही मिलता है, रिटेल में भी मिलता है कुछ शॉप्स में। काफ़ी पहले से घर के लिए मैंने मन्नत किया था, तो वो मन्नत मेरा जब पूरा हो गया तो वही खरीदने के लिए लेके आई हूँ। और ये शांतनु दिखा रहा है, मैं पैसा वही के लिए रखा था अलग से, वो काफ़ी साल से मैं जमा कर रही थी उसी मन्नत के लिए, और इसी वजह से जवेरी बाजार आना हुआ तो हमारे घर जब हो गया। और यहाँ पे ये है मुंबा देवी टेम्पल, मुंबा देवी टेम्पल भी ज़रूर आएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। काम हो गया तो शाम हो गया, उसको मिल गया जो उसको चाहिए था, मिल गया तुमको जो तुम्हारा टारगेट था, टारगेट अचीव्ड, इच्छा था, इच्छा पूर्ण हो गया। अभी ये पूरा छुट्टी का टाइम है,
पूरा लोगों का ट्रैफिक, यहाँ पे गाड़ी का ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लोगों का अच्छा मिष्टी मिलता है, बंगाली मिष्टी। लंबा गलो सैंडविच करते है स्वीटी का हाथ पकड़ पकड़ के जा रही है ताकि ना स्वीटी खो जाए भीड़ में। हाथ पकड़ हाथ पकड़ो स्वीटी। अरे मम्मी तुम्हारा अच्छा मतलब मम्मी खो जाएगी। भुलेश्वर का फ्लावर मार्केट, मार्केट यहाँ पे अच्छा अच्छा फ्लावर्स मिलता है होलसेल रेट में, बहुत कम प्राइस में। बेल बेल अच्छा हाँ बेल गोल गोल। गर्मी के चलते उतना अच्छा फ्लावर नहीं है, इतना गर्मी है तो फ्लावर कहाँ से होगा। 40 रुपये पाओ नहीं गर्म में वो खराब। गुलाबी होटल डिस्टर्ब करने का हो रहा था, सोने का टाइम डिस्टर्ब मत करो बस सोने दो। आम का साइज देखो, साइज देखो आम का एक एक। I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters. Bad, lot of fear, lot of fear, lot of fear. ब्रांडेड है, ब्रांडेड हल्का ही तो है ये। मानसून का शूज, मानसून में अच्छा है, पानी में कभी नहीं होगा। कितना बोल रहे हैं? 150-200। 150। और उसके बाद हम लोग भुलेश्वर गए। ये जवेरी बाजार के जस्ट उल्टी तरफ ही है भुलेश्वर मार्केट, पूरी लंबा करके इस तरह से ड्रेस वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें। स्वीटी अपना लिए ड्रेस देख रही थी तो उसको कुछ कलर पसंद आ रहा था, कुछ ऐसा वाला चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था कपड़ा। अच्छा मैं रूम्पा के लिए भी देख रही थी, स्वीटी को भी मैंने बोला देख तेरे लिए पसंद आएगा या रूम्पा के लिए, तो स्वीटी बोले क्या सामने वाला डिज़ाइन उसको उतना पसंद नहीं है, बोले नहीं रूम्पा मासी को भी अच्छा नहीं लगे देख के, और ये वाला पसंद आया था लेकिन इसका जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सिंथेटिक बहुत ज़्यादा मतलब था, तो इस हिसाब से मैं देख रही हूँ अभी कहाँ लूँ। अभी स्वीटी को पसंद के हिसाब से देख रही हूँ तो रूम्पा को भी पसंद आ जाएगा मुझे पता ही। Every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. बचपन का स्वीटी लगा ले। हाँ अच्छा लगेगा? नहीं छोटे बच्चों का हाथ अच्छा है, छोटे बच्चों का रबर बैंड। यार स्वीटी स्वीटी बड़ी क्यों हो गई? कितना सुंदर सुंदर है, इधर इधर देखो, इसमें देखो इसमें दोनों ये पूरा डजन। नहीं 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 ये वाला 40 का 100 का देखते गर्मी
पानी उधर के मारे गर्मी गर्मी बहुत चिपचिपा। दुकान वाले ने सब फुटपाथ में बोल रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा। मैं बोली भैया बारिश आ गया ना तो फुटपाथ में कोई आएगा के लिए वो भी है। For me, isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. हलुम बुझते पारेन नि सुटी अभी शॉपिंग दिखा रही है शॉपिंग दीदी को शॉपिंग ये भाई ये चप्पल जरूरी था 300 रुपये का चप्पल 300 रुपये ना 300 मम्मी बोले 300 रुपये नहीं हो सकता नहीं अरे ये सस्ता मतलब मम्मी के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए अरे ये सस्ता सब ये सस्ता ये रफ यूज के लिए लिया है ये है इतना बड़ा बैग 200 रुपया और छोटे वाले का और ये इतनी सी वाला बैग 500 रुपया मुझे लगा सर 700-800 बोलेगा इसको 200 सुन के मैं खुद ही मतलब ये रफ यूज कर मम्मी का एक अच्छा वाला है जो बड़ा वाला ये ब्रांडेड है ये 2-3 हजार का होगा ये वाला ये पहले का खरीदा था ये कभी कभी यूज करता है ये मतलब मार्केट जाने के लिए रफ यूज के लिए अच्छा है मेरा वाला भी ऐसा है और एक ये वाला रूम्पा के लिए लिया है मस्त पर्स टाइप का चीज है और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी पर्स मतलब वो पैसे लेके जाते हैं और एक चप्पल मैंने लिया है लेकिन चप्पल बारिश में यूज करने के बाद समझ में आएगा हाँ 300 रुपया का है या 50 रुपया का है 50 रुपया वो यूज एंड थ्रो हो गया फिर 50 रुपये में वन टाइम यूज हो गया अगर स्वीटी ये वाला चप्पल मैं बोली स्वीटी ये चप्पल खोल नहीं जाएगा ऐसा कोई पहन के मुझे तो लगता है मैं मतलब ऐसा करके निकल जाएगा मैं नहीं पहन पाती हूँ 200 रुपये का ये 200 रुपये का और एक पोछा का कपड़ा मम्मी का एक मेरा है ऐसा वाला पोछा दोनों का 50 रुपये ले मुझे लगता है यही वाला सबसे ज्यादा दोनों का 50 रुपया चप्पल का साढ़े मतलब बैग का 200 रुपया ये लेकिन कॉटन का है ना इसीलिए झुमका गिरा रे भुलेश्वर की बाजार में भुलेश्वर के बाजार में बरेली की बाजार में नहीं और क्या कितना सारे रबर बैंड लिया है रबर बैंड और क्लिप लिया और मैंने लिया है ये वाला बैग मतलब मैं ये स्वीटी दोनों यूज करेगी ये स्लिंग बैग यहाँ से मतलब साइड से मेरा वाला क्लिप दिखा सामने से दिखा सामने से मस्त लगेगा दिखने में भाई ये लोग तो स्लिंग बैग तो ये उसका साइड का ये लगा दे बाबू लगा दे ये और लास्ट में दिखाऊंगा मेरा वाला शॉपिंग ये मैं पैसा जमा जमा के रखी थी और भगवान का वो गणपति का पैसा कुछ रहता है ना वो सारे पैसा से ये मैंने सोच के रखा था पाउच में मतलब रखा था इतने दिनों से जिस दिन घर हो जाएगा उस दिन मैं भगवान के लिए अखंड दिया सिल्वर का हाँ जो मैं जलाती हूँ वो कटोरी और प्लेट है बेसिकली अखंड दिया नहीं है ये सिल्वर का इस तरह से ऊपर से प्योर सिल्वर का है और ये इस तरह से ये हल्का टाइप का है इधर का तरह हल्का है ये वाला भारी है ये नया घर पे जलाऊंगी अभी ये भाई स्वीटी सिटी इधर ये स्वीटी ये पतला भाई दिखने में सुंदर है देखो सामने से इतना सुंदर है लेकिन ये पिंग पिंग बारिश में तो पानी अंदर घुस जाएगा स्वीटी बारिश में इतना सा पानी होगा तो अंदर ही घुसेगा पानी थोड़ा ऊंचा लेना चाहिए बारिश के लिए 6 इंच का हील पहन लेती हूँ 6 इंच का लिए थोड़ा सा अब ताव तो जल तो थकबे कोता ना कोता यह चाय पिया जा रहा है रात को 10 बजे मम्मी भी बोल रही है मम्मी ने लिखा चाय पिया उसके बाद फिर से बोला थोड़ा सा बना दे चलो पियो मम्मी के लिए मस्त चाकू लेके कटे जावे ये वाला चाकू से मस्त काटते मस्त चाकू ये सब्जी काटने के लिए मेरा वाला चाकू में धार नहीं है स्विच लेके जाती ना तो धार कर देता और ये है
सिल्वर का हिबिस्कस गणपति जी के, मतलब ये किया मीनाकारी टाइप का कलर किया हुआ पीछे की तरह दिखा, पीछे मतलब सिल्वर का ही है और इस तरह से कलर है हिबिस्कस छोटू सा। ये है चॉप लाया रसगुल्ला, ये वाला ऑरेंज रसगुल्ला मस्त है। और यहाँ पे ये है सीताभोग, सीताभोग ये गोविंद भोग राइस और छेने से बनता है, नूडल्स टाइप का दिखने में मिठाई होता है ये एक्चुअली। और ये है मिहिदाना, ये छोटा बूंदिया जैसा होता है। और मम्मी ऐसे ही मूढ़ी के साथ आज खाया जाएगा ये सब। मम्मी ने खाना बना के रखा, देखो मम्मी का खाना फ्रिज में रहेगा अभी, क्योंकि मम्मी बोले उसको रख दो। मम्मी दोपहर में कॉलीफ्लावर आलू की सब्जी बनाया था शाम के लिए, मैं बोले ये फ्रिज में रख दूंगी कॉलीफ्लावर का, मस्त गंध आ रहा है, देखिए पता नहीं संतुलन खाएगा ये कल सुबह में हो जाएगा। रास्ता है अच्छा, साथ में टिफिन मिल जाएगा। पूछता रहा चींटी भगाने का उपाय, देखो चींटी भगाने का सरल उपाय, ब्रेड है, सब केक है, बापूजी वाला केक, पानी दिया है, पानी दिया स्टैक स्टैक करके। मम्मी बोले मैंने जिंदगी में इतना चींटी नहीं देखा, फुटबॉल का स्पंज खा रहा है। हमारा वो ग्रोसरी का जो बास्केट है उसके अंदर लग गया, बोला निकाल दाल वाल किसी में लगा है पता नहीं।